हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। दोस्तों, आप सबों के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस आप सबसे शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे, तो दोस्तों आज मैं आप सबों के लिए राजपूत काल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिनका काल है 750 से लगभग 1200 ईस्वी के आसपास के ये क्वेश्चंस हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर वॉच कीजिए और टिल एंड तक आप इसको वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और खुद भी इससे फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी फ़ायदा उठाने के लिए कहिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। और चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस सभी TETs के लिए और ऑल ऑफ द कंपटीशंस, जिन कंपटीशंस की तैयारी करते हैं आजकल दोस्त फ्रेंड्स हमारे जनरल कंपटीशन के, और इवन के PCS और IAS के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। सो आप एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास तक के ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है राजपूत काल से, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार व्यक्त किया कि शूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क उच्च श्रेणी को निम्न बना सकता है। तो यह लेखक थे पराशर थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि शूद्रों के साथ उच्च वर्गों को किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें निम्न श्रेणी का बनना पड़ सकता है, ठीक है। ये पराशर का कथन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की, बताइए दायभाग की रचना किसने की। दायभाग की रचना जिमूतवाहन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए और फोटो की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इत सिंह बताता है कि गुजरात में पुरुष और महिलाएं दोनों कुंडल पहनते थे। दायभाग में लिखा है कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है और राजस्थान में राजपूत काल में कोई भी शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। और लास्ट ऑप्शन है, अरब लेखक अल इदरीसी ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया है। तो इसमें से सही आंसर चुनना है। सही आंसर, जैसा कि हमने पहले ही टिक लगा दिया हुआ है, केवल 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो मैं सही आंसर एक बार और पढ़ देती हूँ क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए और कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर है, राजस्थान में राजपूत काल में कोई भी शैव शिक्षा केंद्र नहीं था और अरब लेखक अल इदरीसी ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजपूत काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था, ठीक है। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था, माउंट आबू में नहीं था, जैसा कि हम सब जानते हैं विक्रमशिला में भी था, नालंदा में था, उदंतपुरी में था, और ये माउंट आबू में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की तीव्र आलोचना की। यह नाथपंथी संप्रदाय था जिन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पे बहुत ही विरोध उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सामंतों के हाथों में सत्ता के केंद्रीयकरण में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने इस चरण में योगदान नहीं दिया, ठीक है। मैं ऑप्शन से एक बार पढ़ दूँ, व्यापार तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था के ह्रास की प्रक्रिया से भूग्रहिताओं के हाथों अर्धशक्ति का संकेंद्रण, और इस प्रक्रिया का द्वितीय पक्ष था प्रशासनिक संरचना में नागरिक एवं व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी का निरंतर अवसान, ठीक है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं श्रम के जातिगत आधारों पर विशिष्टीकरण से ग्राम सभाओं के प्रति निध्यात्मक स्वरूप का अंत हो गया और ब्राह्मण अनुदान उपग्रहिताओं द्वारा निरंतर केंद्रीय तंत्र के विरुद्ध सामंतों को समर्थन। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, सामंतों के हाथों में सत्ता के केंद्रीयकरण में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने इस चरण में योगदान नहीं दिया। सही आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण अनुदान उपग्रहिताओं द्वारा
निरंतर केंद्रीय तंत्र के विरुद्ध सामंतों का सामंतों को समर्थन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपूत काल के अधिकांश भाष्यकारों ने राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाए हैं, किंतु एक भाष्यकार ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि उचित विधान बनाकर समाज में सुधार किया जा सकता है। यह विचार तत्कालीन समाज के लिए चुनौती थी। वह भाष्यकार कौन था? वह भाष्यकार था हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र ने कहा था कि उचित विधान बनाकर समाज में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दसवीं शताब्दी के किस भाष्यकार ने भाष्य को किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? तो इसका आंसर है मेघातिथि। मेघातिथि के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी। ठीक है, ये दसवीं शताब्दी के भाष्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का कारण था मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा था। ठीक है, राजपूत काल में मुक्त भूमि अनुदान जो दिए गए थे उससे सामंत वर्गों का प्रभुत्व बढ़ा और इससे व्यापार एवं वाणिज्य का ह्रास हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों को आराम से जीवन जीने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूत काल के अभिलेखों और ताम्रपत्रों में से एक तो आराम से जीवन जीने की आदत हो गई थी और सामंती जो विचारधारा होती है वो आमतौर पे किसी भी तरक्की किसी भी उन्नति का विरोध करती है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि इस वजह से व्यापार एवं वाणिज्य का ह्रास हुआ हो। राजपूत काल के अभिलेखों और ताम्रपत्रों में से भोग शब्द का उल्लेख मिलता है। भोग का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या अर्थ था? तो भोग का अर्थ था राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम। ठीक है, ऑप्शंस हैं, एक बार पढ़ देती हूँ। राजा का भोजन, भोग का अर्थ जो है वो बताया गया है राजा का भोजन, राजा का कृषि उत्पाद में अंश, राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम और मंदिरों के संचालन एवं अन्य धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले कर मुक्त ग्राम, जिसमें हमारा सही आंसर है राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम। ठीक है, भोग का यहाँ पे ये अर्थ हो जाता है राजपूत काल के अभिलेखों और ताम्रपत्रों में से। देखो, भोग जो वर्ड है इसका हर एक काल में अलग अलग अर्थ रहा है, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये किस काल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे राजपूत काल के बारे में पूछ रहा है भोग का अर्थ, तो भोग का अर्थ राजपूत काल में था राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में एक शासक ने मंदिर का निर्माण कराकर अपनी पूजा कराने के लिए उसमें अपनी मूर्ति स्थापित की, वह शासक कौन था? वह शासक था, मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए लतिंग देव, बी अजय सिंह, सी प्रद्युम्न देव और डी राव बी का। तो आंसर हो जाएगा हमारा लतिंग देव। लतिंग देव ने अपनी ही मूर्ति मंदिर में स्थापित करा करके अपनी पूजा अर्चना करवाने की शुरुआत करने की कोशिश की। नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वंश ने एक ही ब्राह्मण परिवार में से क्रमशः 4 मंत्री बनाए? एक ही ब्राह्मण परिवार में से 4 मंत्री किस वंश ने बनाए, मतलब किस राजवंश ने किसी एक ही परिवार में से 4-4 मंत्री को लगातार चुना? तो ये आंसर है हमारा बी पाल वंश ने। ठीक है, पाल वंश के राजाओं ने एक ही परिवार से 4 मंत्री चुने थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासकों ने युद्ध भूमि में मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को भूमि अनुदान में दी, बी भुक्ति का प्रशासन भुक्तिपति चलाता था, और सी महाप्रतिहार पुलिस विभाग का प्रधान होता था, और डी प्रतिहार शासकों ने साम्राज्य को भुक्ति आदि में विभाजित नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए आंसर है, चंदेल शासकों ने युद्ध भूमि में मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को भूमि अनुदान में दी। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन का विभाजन था 14 का, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भुक्ति विषय और ग्राम, बी है राष्ट्र विषय भुक्ति, और सी है
विषय है राष्ट्र भुक्ति और डी है भुक्ति पटाला और विषय। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र विषय और भुक्ति। ठीक है, प्रशासन का सही विभाजन इस प्रकार से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राजपूत काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्राम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। बी, स्थानीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त व्यापार विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन होने लगा था। और सी, कृषि से सामंतों को अत्यधिक लाभ मिलता था जबकि किसान हानि उठाते थे। और डी, जो जो कृषकों पर कर भार बढ़ता गया भूमि उत्पादन में कमी आती गई क्योंकि कृषकों की कृषि में रुचि काफ़ी कम हो गई थी। तो आंसर यहाँ पे हमारा बता रहा है ऑप्शन नंबर ए सही, ए राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्राम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। ठीक है, राजपूत काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में यह सही कथन है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्राम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। ऑप्शन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था। कविराज मार्ग, कविराज मार्ग ये अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रकूट, बी है पाल, सी है गंग और डी है प्रतिहार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 16 का ए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश से था कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अल मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को वल्लभ राज या वल्लहर के नाम से संबोधित करते हुए उसका विवरण दिया है। ठीक है, 17 के ऑप्शंस है इंद्र द्वितीय, इंद्र तृतीय, ध्रुव और अमोघ वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर बता रहा है इंद्र तृतीय। ठीक है, अल मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को वल्लभ राज या वल्लहर के नाम से संबोधित करते हुए उसका विवरण दिया है, इंद्र तृतीय को दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला। 972 ईस्वी में, ठीक है, 972 ईस्वी में बता रहा है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव शासक दंतीवर्मन ने, बी चोल शासक राजेंद्र चोल ने, सी परमार शासक सीयक ने और डी है चंदेल शासक यशोवर्मन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, परमार शासक सीयक ने। ठीक है, क्वेश्चन 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला। आंसर हो जाएगा सी, परमार शासक सीयक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की। कश्मीर में देखते हैं, ऑप्शन है अवंती वर्मन, बी है ललितादित्य मुक्तापीड, सी दिद्दा, डी हर्ष। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे अवंती वर्मन हो जाएगा कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना करने वाला। देखो, अवंती वर्मन, ललितादित्य मुक्तापीड, दिद्दा ये सभी कश्मीर के ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो उत्पल वंश के स्थापक थे ये थे अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अवंती वर्मन ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रशासन, बी कह रहा है कृषि और सी सेना और डी यातायात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ ये PCS और UPSC वगैरह के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो आप लोग ज़रूर वॉच करें इसे और पूरी वीडियो को देखें और इसे लाभ उठाने की कोशिश करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड कमेंट्स भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपने इस पर क्या रिएक्शन दिया और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो लास्टली मैं आप सबों से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरी इस वीडियो को वॉच किया। थैंक यू।